होगा जो वहां सामने बैठ के हिसाब बना बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 10 मिनट ही लूंगा, समझाने दिया है, और बिल्कुल मैं पॉलिटिकल सवाल पॉलिटिकल बातें करूंगा। मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे समाज में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे लोग कितने पढ़े लिखे हैं। मैं भी सब लोग का भाषण सुनता हूँ, तय मानिए मुझे सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है रिपोर्टर के रूप में, ऐसे बैठ के रिपोर्टिंग करता हूँ। और मुझे दुख है इस बात का कि कोई तो मोदी टाइप का झूठा निकले जो लंबा लंबा लक्ष्यदार बोले, पटना में जाके बोले ताशकंद यहाँ है, तकसीला यहाँ है। हमारे लोग कितने ईमानदार हैं, कितना पढ़ते लिखते हैं, और हर लाइन में पूरे बुनियाद अम्बेडकर को वोट करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मुझे पता है ना वो फूले आने वाले हैं, ना प्रियार आने वाले हैं, ना अम्बेडकर आने वाले हैं। लड़ाई भाई साहब मोदी से है, उसी के स्टाइल में लड़ना पड़ेगा। तो सवाल भी जो है वो पॉलिटिकल करना पड़ेगा, सवाल पत्रकार के तौर पर पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि मैंने 12 साल के लिए जब नौकरी की और खूब मैंने झूठ बेचा। कितने लोग यहाँ पत्थर पहनते हैं, किस्मत चमकाने वाला हीरा वाला पत्थर नहीं, मूंगा हाथी काला पीला जो अमीर बनाता है लोगों को, मैंने 6 महीना बेचा है टीवी पर, तो मुझे सारा झूठ पता है। तो अगर लाल धागा और पत्थर आपको अमीर बना रहा है तो जरूर पहने रहिए, नहीं तो बस सोचिए। और कम से कम आप तय मानिए इस देश में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं फूले प्रिया अम्बेडकर को, और सब लोग पढ़ते हैं उसी से सारी लाइनें लेते हैं। उधर वाला जो आदमी है वो सिर्फ मार्केट देखता है पैसा कैसे आएगा, और उसका पत्थर तमा के दे रहा है, और हम आप अपने हाथों में सजाए हुए हैं पैसा देके। तो जिस पत्थर के सहारे आप अमीर होने का सपना सोच रहे हैं, दरअसल वो आपका पैसा खा रहा है, और उससे कोई और अमीर बन रहा है। आप बन रहे कि नहीं बन रहे आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। दूसरी बात जो एक युवा साथी है उन्होंने कहा कि हमने दर्द नहीं झेला है जातिवाद का, मैंने कहा मैंने भी नहीं झेला है, और हम झेलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब हर कोई कहता है कि अब कहाँ जातिवाद है, हम साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ शहरों में रहते हैं। तो मैं अपने युवा साथियों को कह दूं, जातिवाद का तरीका बदल गया है। अब जो जातिवाद है वो मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, अब उसको कोई मतलब नहीं आपके चपरासी बनने से। वो चाहता है कि आप चपरासी बने, आईएएस नहीं बने। इसलिए जो हमारे युवा साथी वो जान ले कि आपके खिलाफ जातिवाद तब शुरू होगा जब आप कलेक्टर बनेंगे, सीएम बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, और आपके ऊपर एक बाबा जी बैठा दिया जाएगा सांसनाथ और नागनाथ। तो आपकी जातिवादी का जो आपका सामना है वहां से होगा। दूसरी बात, एकदम तय मान लीजिए इक्कीसवीं सदी में आपके मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है बाबा साहब का दिया हुआ वोट और सत्ता। और जब तक सत्ता नहीं आएगी, मैं तय कह रहा हूं, ना तो आपका आईएएस सुरक्षित है, ना आपका ब्यूरोक्रेट सुरक्षित है, ना आपका संविधान सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है। आपको दर दर पर जलील किया जाता है, मारा जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम सिर्फ अपने दर्द अपने हार की कहानी बयान नहीं करने आए, हमें अपने जीत की कहानी पर बात करनी पड़ेगी। हमें तय करना पड़ेगा कि कितने जीवन वाले हम लोग इंसान है, हमारे बाप दादा भूखे रह के जिंदा है, मरे नहीं, हमारे मन पे कपड़ा आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम चुनाव में भागीदार हैं, वोट दे रहे हैं, और हमारे पास वोट की ताकत है। आप कल्पना कीजिए कि वोट की ताकत में अगर हमारे माँ बाप पूर्वक नहीं होते और हम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, मेरी तरह 7-8 भाई बहन, तो ये हमें वोट इतिहास से भी नहीं मिलते। इनको सिर्फ डर है कि इसकी संख्या ज्यादा है, इसके पास वोट है, इसलिए वो दिन रात आपके बारे में बात करता है। तो शुक्रिया के उन अनपढ़ हमारे माँ बाप का जिन्होंने कम से कम मेरी दादी कह दी थी कि धन नहीं तो जग, चलो धन नहीं है तो बच्चा पैदा करते हैं। तो हमारी ताकत जो है वो यही है, हमारे समाज, हमारी संख्या, सबको देखकर मन से मार देंगे। अरे शंभू जी आपको डर नहीं लगता, आपको पता है जिस दिन हम लोग सड़क पर खड़ा हो गए ना, इनकी पेट्रोल की भी हो जाएगी, आप खड़ा हो गए क्यों मार देंगे हमें, इनके करोड़ रुपए की हैसियत नहीं है मारने की, बस जरूरत है कि हम खाली हाथ सड़क पर खड़ा हो जाए।
और वो खड़ा हो सकते हैं वोट के रूप में, वो खड़ा हो सकते हैं समाज के रूप में, वो खड़ा हो सकते हैं हर उस शख्स के पीछे जो हमारे हिस्से की लड़ाई कर रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा है, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। एक नेल्सन मंडेला पूरे अफ्रीका को बदल देता है, एक अब्राहम लिंकन पूरे लैटिन अमेरिका को बदल देता है, एक रॉबर्ट मुगाबे पूरा अफ्रीकन कंट्रीज को बदल देता है। और हमारे यहाँ मरने वालों की लंबी परंपरा है, कूच रविदास, कबीर, बाबा साहब, पूरे भैया मान लो कांसिला हम बदल ही नहीं रहे भाई, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, कैसे बदलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से बदलेंगे और वो है वोट। इस बार 2019 का मौका है, वोट का चोट कीजिए, उनको घर बैठाइए, अगर तय कर लीजिए आप लोग खुले आप किसी भी सवाल को वोट न कीजिए। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो 4-5 दल है वो भी अगर सवर्णों को कैंडिडेट देता है तो निर्दलीय अपने बहुजन को जिताइए, बिल्कुल वोट मत कीजिए। लोग सिर्फ एक भाषा समझता है, वोट की भाषा। और अगर आप वो चूक गए तो आप चूक गए। और सुनिए, हम सब गुनाहित हो गए, हम कभी पर बात नहीं करेंगे। मैं एक टुच्चा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारी बातें आपको बताऊं, इसलिए मैं रोज बोलता हूँ। और आप लोग तय मानिए, हर घर से आपको नेता बनना पड़ेगा, हर घर से आपको मोदी जैसा झुठ्ठा पैदा करना पड़ेगा, हर घर में आपको 100 करोड़ 200 करोड़ घोटाला करने वाला आदमी पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़ने जिसे जा रहे हैं वो खुद को नहीं मानता है, उसके हाथ में हथियार है, उसके हाथ में झूठ है, आपको उससे उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके हाथ तय। आप सोचिए, इन लोगों को बदलना होता तो बाबा साहब की बात से बदल जाते, चलो बाबा साहब को नहीं माने रविदास जी से बदल जाते, बुद्ध से बदल जाते, बदलने वाले लोग हैं। ये लड़ाई सत्ता की है, ये लड़ाई संसाधन की है, ये लड़ाई ताकत की है। इसलिए आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए और एक साथ सड़क पर खड़ा होइए। आपको ये आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे, बहुत डरपोक लोग हैं। और जितने मैं रोज सवर्णों के साथ रहता हूं, मैं रोज उनसे बात करता हूं, मेरे साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, जैसी बात कीजिए आप अपने हक की, वो आपको बताए क्या कहेंगे, तुम गलत बोल रहे हो, अभी तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या हमें? हम लोग के मन में बैठा हुआ है हमको कौन अच्छा खराब कर रहा है, कौन बढ़िया कह रहा है, हमको खुद के विचारों पर चलना है। और यार उसके हाथ में तलवार है, खुद के विचार कैसे लड़ सकते हैं भाई? हमको लड़ना पड़ेगा। जो हथियार की भाषा समझता है, हथियार मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम, वोट की भाषा। आप लोग सत्ता में आइए, अपनी पार्टियों को जिताइए और सोच लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है कि देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो दल है, सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके, आरएलएसपी, कोई सत्ता में नहीं है, सब खंडन को पा और उनके लिए दर्जनों पार्टियां सत्ता में है। और वोट कौन दे रहा है? अच्छे बात बताइए, इस देश का कोई भी सवाल बीजेपी के अलावा किसी को वोट देता है क्या? तो किसको वोट देता है? सिर्फ बीजेपी को, जबकि कांग्रेस भी सवर्णों की पार्टी है, बीजू जनता दल भी सवर्णों की पार्टी है, असम गण परिषद भी सवर्णों की पार्टी है। हम सारे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग सबको वोट देते हैं, अपने वाले पार्टी को नहीं देते हैं। और एकदम तय मान लीजिए, तमाम बुराई हमारे नेताओं में, मैं टीवी की भाषा में कह रहा हूं, जान बुझ कर आपके नेता को चोर कहा जाता है टीवी में और हम लोग उसको चोर मान देते हैं, जान बुझ कर हमारे नेता को बेईमान कहा जाता है, हम लोग बेईमान मान देते हैं। आप बताइए, मैं लिख के दे रहा हूं, देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी नहीं है जिसके पास अपना चार्टर्ड प्लेन हो, तो बेईमान कहां है भाई? मायावती बेईमान होती तो 500 जहाज होते उसके पास, 10-10 करोड़ की संपत्ति होती। ये सिर्फ आपको हराने के लिए, आपके अपने ही लोगों को आपकी रेस्टोरेंट गिराने के लिए चोर कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, न तो लालू यादव चोर है, न मुलायम सिंह यादव चोर है, न मायावती चोर है। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे नेताओं आपको साफ खड़ा करना पड़ेगा। और रही बात 35 पोस्टर की, ये बड़ा खेल है। मैं एक बार गांधीनगर गुजरात में था, मोदी जी ने तय कर लिया है कि न देश बढ़ेगा न बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो अंगूठी भी नहीं पहनेगा, फिर आप मोदी जी को वोट भी नहीं दीजिएगा, आप मंदिर के पीछे लाइन भी नहीं लगाइएगा। सोचिए कितना शातिर लोग है। आप 100 रुपया चढ़ाइए, 1000 चढ़ाइए, देगा आधा लड्डू। भाई कैसा दुकान है यार, 100, 500, 2, 10,000 को देना उसको आधा लड्डू है। अच्छा, दान पेटी की चाबी आपके पास नहीं है,
सोचिए अंबेडकर साहब तब क्या कह के चले गए कि पत्थर की मूर्ति को पहला लात मारेगा पुजारी अगर वहां से दान पे की हटा दो हम फिर भी जा रहे हैं। इसलिए हर घर से नेता बनाइए, अपने बच्चों को बदमाश होने दीजिए, बदमाश मतलब उसको समझने दीजिए राजनीति। बताइए एक आदमी आरएसएस वाले को देखे हैं, सबके पास प्लान भी है, हम जानते हैं हमारा समाज संसाधन भी है, लेकिन हमारे पास एक कहावत है हमारे यहाँ, गरीब नहाएगा क्या छोड़ेगा क्या। अरे हमारा क्या विकार होगे, नंगे पैदा हुए गरीबी में जी रहे उनसे लड़ेंगे, और तय मानिए कभी भी कमजोर आदमी के सामने मजबूत आदमी लड़ने नहीं आता है, वो डरता है, बस आपको जरूरत है डराने की, आपको डरा के वो रखे हुए है। भारत पाकिस्तान से युद्ध करेगा क्या, कभी नहीं करेगा, पता है क्यों? युद्ध करने जो फैसला लेने वाला आदमी है वो सब जानता है कि पाकिस्तान से युद्ध होगा तो दलित नहीं मरेगा, पिछड़ा नहीं मरेगा, हमारे लोग गांव में बसे हैं, ये शहरों के लोग मरेंगे जो सड़क है वो नहीं होने देगा युद्ध, हमारे बच्चे फौज में मर रहे हैं, सीमा पर मर रहे हैं, एससीएसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जवान जो है वो सेना में छोटे पदों पर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि लड़ाई हो, आर पार की लड़ाई हो, ये लड़ाई नहीं होने देंगे, ये आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाएंगे। आप साफ साफ उनको कहिए कि एससीएसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, हम बुद्धिस्ट हैं, हम शूद्र हैं, हम बहुजन हैं, ये सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, और ये सब कुछ आपको टीवी और अखबार में नहीं मिलेगा, क्योंकि टीवी और अखबार चलाने वाला आपका आदमी नहीं है। इसलिए जो संसाधन आपके पास है उसका उपयोग कीजिए, और शुक्रिया कहिए जुकरबर्ग का जिसने फेसबुक बनाया, शुक्रिया कहिए व्हाट्सएप बनाने वाले का, शुक्रिया कहिए यूट्यूब बनाने वाले का। जैसे अंग्रेज के आने की वजह से हमारे लोग पढ़ पाए, उसी तरह से सोशल मीडिया की वजह से हम इस देश में सत्ता के हासिल करेंगे। और लास्ट टाइम बोल रहा हूं, सत्ता की लड़ाई है अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना और अपने ही लोगों की टांग खींचना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े लोगों का स्वभाव है, इसलिए हमारा समाज पिछड़ा है। इसलिए आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं, अपने घर से नेता बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि बिना सीएम पीएम बने आप कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीएम साहब इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी हालत क्या है और रोज आपके साथ क्या बर्ताव होता है। भाई हमारा डीएम 100 करोड़ की चोरी नहीं कर सकता है, जब उसे पता है जज भी वही है, वकील भी वही है, सजा भी वही देने वाला है। इसलिए एकमात्र रास्ता है सत्ता पर कब्जा कीजिए, और जिस भाषा में समझता उसी भाषा में तो जवाब दीजिए। राजनीतिक लड़ाई है तभी जाके आपका कठिन का रोस्टर बनेगा, तभी जाके हम सड़कों पर उतरेंगे तो गोली नहीं चलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है, 2019 एकदम सामने है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि तमाम उन लोगों को पढ़े लिखे लोगों को जिम्मेदारी है कि वो गाँव में जाए, शहरों में जाए, जहां जाए दिन रात पॉलिटिकल बात करे, लोगों को समझाए कि हमें अपने ही लोगों को वोट देना है। अगर हम नहीं ये बात करेंगे, डरे छुपे बात करेंगे, तो आप तय मानिए ये 2019 के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, और जब नाव में छेद है तो कोई सेफ नहीं बचेगा, हम सब डूबेंगे। फर्क इतना होगा कि समुद्र डूबेगा तो उसका नाम होगा, जब उसने दस्तर दुनिया बना दिया है, आप सब लोग डूबेंगे, आपको कोई जानने वाला नहीं होगा, इसलिए डूबेंगे भी तो लोग चढ़ा के डूबेंगे, लड़के मरेंगे, इसलिए इनसे सब साधारण लड़ाई है, डरपोक लोग हैं, वोट की ताकत है, वोट के हिसाब से इनको हराइए। 2019 आपके सामने है, राजनीतिक लड़ाई है, लड़ाई शुरू कीजिए, तभी आपका आरक्षण बचेगा, तभी संविधान बचेगा, और तभी आपके बच्चे डीएम एसपी और बिजनेसमैन बन पाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, देख लीजिए आप लोग। शुक्रिया आप लोगों का।